वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास सेवेंथ मैथ एक्सरसाइज 3.2 ऑल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है कि द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो 90, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 or 20। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। एक जो फाइंड करना है मोड मीडियन एंड इसमें मोड मीडियन और एक मीन भी होता है, ठीक है। तीन चीज देखो यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करना है। तो मीन मोड और मीडियन इसको कैसे फाइंड किया जाता है इसका एक वीडियो बनाए हैं, पहले जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन आपको तो एक्सरसाइज 3.2 करना है, तो यहां पर भी हम मीन मोड मीडियन के बारे में समझाने की कोशिश 100% करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड करना है मोड एंड मीडियन। तो कैसे मोड एंड मीडियन फाइंड करते हैं इसको हम सॉल्व करके समझाएंगे और पूरा एक्सरसाइज 3.2 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारा, हम पहले से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हम अपने पेज पर लिख लिए हैं ताकि जब हम समझाएं आप लोगों को तो 100% सारे चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना होगा, जब आपको फाइंड करना होता है या तो मोड फाइंड करना हो चाहे मीडियन फाइंड करना हो, तो आपको इसको क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना पड़ता है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप एग्जाम में आता है तो एकदम ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर देना, पहले सॉल्यूशन लिख करके तीर का साइन लगा देना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो स्टूडेंट इज एज फ्लो में दिया हुआ है ये सब जो, ठीक है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। और असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं यानी बढ़ते क्रम में, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखो तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, पहले ऐसा लिख लो, अरेंज करो, ठीक है। लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का तो नाम सुने ही होंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो 5 है, क्या है 5, इससे ग्रेटर क्या है 9 है, इससे ग्रेटर क्या है 10 है, इससे ग्रेटर 12, इसमें आप देखते चलो लिखते चलो, ठीक है, 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 20 और 22 है। देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 320 है, कितना 20 है, 320, उसके बाद 23, उसके बाद 24 भी है, उसके बाद 25 भी है और 225 है, तो 225 लिख लिया हमने, ठीक है। जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लिए। सबको असेंडिंग ऑर्डर आता है ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते चलेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मोड का, मोड निकालने का जो मेथड होता है कि जो सबसे इस ऑब्जर्वेशन में जो जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो हाईएस्ट बार आया होगा वही होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 19 है, 20 है, 20, 23, 24, 25 है, ओके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी को मोड बोलते हैं।
जैसे 5 है एक ही बार आया है, 9 एक ही बार, 10 एक ही बार, 12 भी एक ही बार, 15 भी एक ही बार आया है, 16 भी, 19 भी, लेकिन 20 जो है 3 टाइम्स आया है, 23 वन टाइम्स, 24 वन टाइम्स, 25 टू टाइम्स। लेकिन हमें मोड किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, क्या जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, मोड इज द ऑब्जर्वेशन द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देयर फोर इज मोड इज इक्वल टू 20। क्या हो जाएगा, मोड की वैल्यू 20 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। मोड 20 क्यों हुआ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, जो सबसे हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। तो 23 टाइम्स आया है, 25 तो 2 टाइम्स, बाकी तो 1 ही टाइम्स है, यानी जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा उसी को मोड बोलते हैं। तो मोड का आंसर हो गया 20। ओके, समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, मीडियन, सेकेंड क्वेश्चन इज मीडियन बताना है। तो मीडियन कैसे करेंगे, देखो मीडियन, मिडिल टर्म को मीडियन बोलते हैं, मिडिल टर्म को मीडियन बोलते हैं। लेकिन अभी आप लोग 9th क्लास में जाओगे तो मीडियन का कुछ अलग फार्मूला निकलेगा, वहाँ पर कुछ अलग फार्मूला से भी आप लोग मीडियन निकाल सकते हो। लेकिन अभी आप लोग 7th में हो ना, तो आप लोगों को देखो कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको मीडियन निकालना, लिखेंगे मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, देखो मीडियन इज क्या है, एक मिडिल ऑब्जर्वेशन है। अब जो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखे हो उसी में देखेंगे कि मिडिल में कौन आ रहा है। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 है, तो 14 में मिडिल कौन है, मिडिल उसके बीच में कौन है, इन सभी नंबर के बीच वाला कौन सा नंबर है। तो 14 टोटल नंबर है, यहाँ पर रफ में कर देते हैं, 14 टोटल नंबर है और 14 के बीच में यानी 7, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला आ रहा है 7, और इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 19 है और यहाँ से 20 है, तो इसके मिड में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा। देखो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, यानी हम लोग यहाँ पर एक छोड़ दिए हैं कोई। 20 देखे तो 1, 2, 3, 4 20 है, हम लोग कितने बार टाइम्स लिखे हैं, 3 टाइम्स ही लिखे हैं, एक छूट गया है 20, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक से 20 लिखा, मतलब हमसे लिखा गया था सिर्फ 3 टाइम्स ही, लेकिन 4 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मोड तो हमारा 4 टाइम्स आया, चाहे 3 टाइम्स, ऐसे भी ज़्यादा ही है, तो मोड तो 20 ही होगा। लेकिन मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मतलब मीडियन जो होता है मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब इसके जो बीच में होगा वही होगा। तो टोटल तो 15 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसके मिड वाला देखो तो कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 के बाद वाला, इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 के मिड वाला, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये छूट गया था, 6, 7 7 के बीच में, इधर से ए आ रहा है और इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 के बीच में ए आ रहा है, यानी जो 20 है वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियन मतलब बीच में। ठीक है, तो यही ना बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन निकालना बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजी है, क्लास 9 से आप लोग को थोड़ा इससे कठिन पढ़ना पड़ता है। ओके, अब बोल रहा है कि फाइंड मोड, तो मोड फाइंड कर लिए, मीडियन, मीडियन भी फाइंड कर लिए। आर दे सेम, मतलब बोल रहा है कि मोड और मीडियन दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका भी 20, इसका भी 20, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस मोड एंड मीडियन
आर सेम ऑफ गिवेन ऑब्जर्वेशन, गिवेन ऑब्जर्वेशन मतलब मोड और मीडियन दोनों क्या है, सेम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का सेम आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मीडियन में हम लोग गलती से 14 ही लिख लेते हैं, लेकिन 15 दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन फिर हमने क्वेश्चन चेक किया तो इसमें 15 था, फिर हमने लिखा तो फिर अपने आप मीडियन, मीडियन कहाँ गया है, यहाँ मीडियन अपने आप आ गया। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज द फ्लो, जो दिया गया है 6, 15, 120, 50 और 180, 10, 15, 8, 10, 15। फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री सेम। देखो मीन भी फाइंड करना है, मोड भी और मीडियन, तीनों फाइंड करना है, और साथ में ये भी बताना है कि आर द थ्री सेम, मतलब तीनों बराबर हैं, सेम है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम तो मीन निकालेंगे, लेकिन मीन मोड मीडियन निकालने से पहले इसको किसके फॉर्म में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखेंगे कि अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंजिंग, अरेंजिंग द गिवन, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉलेस्ट यानी 6 है, तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10, डबल 10 है तो डबल 10, उसके बाद 15 कितना है, 2 है 15 तो 2 15, उसके बाद 50 है, उसके बाद 80 है, फिर 100 है, और फिर 120 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर हमने एक छोड़ दिया कोई, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 6 8 10 10 15 15, ओके, और 50 50 भी हो गया। अच्छा 15 हमारे ख्याल से 3 है शायद, 1 2 3 है, देखो फिर एक मिस्टेक हुआ था, तो 15 कितना है, 3 है, ठीक है, 15 हो गया, हाँ सब हो गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। सबसे पहले आपको मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, मीन का पहले फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सब इसको ऐड कर दो, मीन इजकल टू 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 और 120 बाय टोटल कितने हैं, 11 ना, 11 प्लेयर यानी 11। ओके, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया गया उसको सम कर दो यानी ऐड कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर कितने हैं वो राइट कर दो। यहाँ से मीन इजकल टू हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम रफ में जोड़ करके कहीं बार लिख लेते हैं, आप लोग भी रफ में ही लिखना, ठीक है, यहाँ पर जोड़ोगे तो हमारा भी टाइम बर्बाद होगा, तो रफ में जोड़ करके लाते हैं। चलिए हम इसको सब कुछ ऐड करके लाए, तो ए आया है 429 बाई 11। अब इसको डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड करेंगे कहाँ पर करेंगे, इसको रफ में कर लेते हैं, कहाँ पर रफ में करें, पीछे कर लेते हैं, ठीक है। 429 को 11 से करना है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 20 33, यहाँ से 9 हो जाएगा, एक ख़त्म, ऊपर से 9, 11 9 जा 99, यानी 39 टाइम्स में ये जो है डिवाइड हो जाएगा, 39 इसका आंसर आ गया। ओके, अब क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, चलो क्या कहते हैं मीडियन में, मीडियन की मोड, मोड पहले फाइंड करना है, मोड। तो मोड को आपको बताए हैं ना कि मोड हम किसको कहते हैं, मोड किसको कहते हैं, मोड हम उसी को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा। तो 15 1 2 3 टाइम्स आया, बाकी तो एक या दो है, एक एक टाइम्स आया है, लेकिन 15 3 टाइम्स आया, सबसे ज़्यादा बार आया गया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, मोड। तो मोड क्या है, हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, ठीक है। अब मीडियन, मीडियन का भी आप लोगों को बताइए दिए हैं, मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन इज द, ठीक है, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें मिड में क्या है, देखो 11 है ना, यानी 5 के बाद वाला जो होगा वही मीडियन होगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद वाला देखो ए मिल रहा है, और इधर से भी 1 2 3 4 5, 5 के बाद वाला यही मिल रहा है, देखो दोनों तरफ से 5 के बीच में ही मिल रहा है, यानी मीडियन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो मीडियन बीच में कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो 11 टोटल है, 11 में 2 से भाग दे दो, यानी 5 पॉइंट, यानी 5 के बाद वाला, 5.5 मतलब 5 से बाद वाला, मतलब इधर से 5 के बाद वाला कर देंगे, इधर से 5 के बाद वाला कर देंगे, तो वही नंबर आएगा, वही मिड में होगा, बीच में होगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 15। एक और क्वेश्चन है कि आर द थ्री सेम, मतलब तीनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि ए 15 15 और ए 20 39 हो गया, तो लिखेंगे नो, नो, द मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, ये आपका आंसर। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है। मीडियन अभी आप लोग सिर्फ ऑड वाला सीख रहे हो, जो भी आएगा आप लोगों को सेवेंथ क्लास में वो ऑड वाला मिलेगा, जैसे देखो 11 है, यदि यहीं इवन हो जाएगा ना तो आपको फिर दिक्कत होने लगता है, तो वो सब नाइन्थ क्लास में पढ़ना है, सब पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर 38 42 60 35 37 45 50 32 43 33 43 46 38 43 38 47। तो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इससे मोड और मीडियन निकालना है, और इज देयर मोर देन वन मोड, पूछ रहा है कि इज देयर मोर देन वन मोड, तो देखो इसको बताना है क्या एक से अधिक इसमें मोड आ रहा है क्या, जैसे मान लो मोड होता है ना कि मोड किसी किसी का सिर्फ जैसे 20 होता था, जैसे इसमें देखो हमने मोड फाइंड किया तो सिर्फ 15 आया, किसी किसी का होता है 15 और 20, मतलब दो दो चीज़ हो जाता है, एक ही बार दो मोड आता है, कैसे आता है वो बताएंगे आपको, पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आराम से समझा देंगे, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो आपको मोड एंड मीडियन फाइंड करने से पहले आपको तो क्या पता होना चाहिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सॉल्यूशन करो इसको, लिखो पहले अरेंजिंग द गिवन डाटा इन ए असेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले लिखेंगे, दिख रहा है ये जो दिया है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो। सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, सबसे पहले स्मॉलेस्ट इसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है 32 दिख रहा है, तो 32 हो गया,
ठीक है, 32 उससे ग्रेटर क्या है, 35 उससे ग्रेटर क्या है, 36 उससे ग्रेटर, 37 उससे ग्रेटर क्या है, 38 उससे ग्रेटर, 2 38 है तो 2 38, नहीं 2 नहीं 3 है तो 3 38। देखो 38 1, 38 2, 38 3, जितना उसको लिख लो। ओके 38 है, फिर 40, फिर 42, फिर 43, 3 है तो 43 43, उसके बाद 45 47 है और 50 है, जो जितना बड़ा आएगा उसको लिखना पड़ता है। जैसे देखो 38 थ्री टाइम्स और 43 भी थ्री टाइम्स, इसको हमने राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मोड, तो मोड लिखो, मोड इजकल टू क्या हो जाएगा। देखो मोड का जो वैल्यू होता है, किसको कहते हैं मोड, मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो ज़्यादा बार आया होगा। तो 38 भी थ्री टाइम्स और 43 भी थ्री टाइम्स, दोनों सेम है तो दोनों लिखना होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक लिख दोगे हो जाएगा, नहीं दोनों लिखना होगा क्योंकि दोनों सेम टाइम्स आया है। तो लिखेंगे 38 एंड 43, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, ये भी थ्री टाइम्स आया है और ये भी थ्री टाइम्स आया है। कोई कोई बोलेगा कि आपसे कि मान लो कि ये तो ग्रेटर है तो इसको ही लिख देंगे, नहीं आपको ग्रेटर और लेस से मतलब नहीं है, वो कितने टाइम्स आया है उस पर डिपेंड करता है मोड। ओके वो कितने बार आया हुआ है, तो थ्री टाइम्स दोनों आया है तो दोनों को मोड आपका वैल्यू मान हो जाएगा। ठीक है, अब आपका मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे करेंगे, मीडियन तो आपको पता है ना, मीडियन निकालने का तरीका जो बीच में होगा, पहले टोटल नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है यहाँ रफ में, देखो 15 है ना, 15 में 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा मीडियन बताने के लिए 2 7 जा 14, यानी 14.5 में आएगा, यानी 7 के बाद वाला जो नंबर होगा मीडियन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला ही आ रहा है, देखो पक्का यही होगा इधर से भी, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 के बाद वाला, यानी यही होगा, इधर से भी यही वाला, इधर से भी यही वाला, बीच में एकदम हो रहा है मीडियन, मीडियन मतलब बीच में, तो आपका 40 आंसर, मीडियन का ही वैल्यू आ गया। तो फाइंड करना था मोड एंड मीडियन, हमने इसको फाइंड कर लिया। तो आपको अगर सर एग्जाम में बस इतना ही लिख देंगे, हाँ इतना ही लिखना है, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ थोड़ा अपना तरीका होना चाहिए, किताब वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, किताब में तो लिखा रहता है कि मोड इज द ऑब्जर्वेशन द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स देयर फॉर मोड इज इतना, इतना लिखने का जरूरत है, मोड इतना हो गया, बस कंसेप्ट समझो, मोड किसको बोलते हैं, जो हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा उसको मोड बोलते हैं। ओके चलो, इसका सेकंड है कि इज देयर मोर देन वन मोड, बोल रहा है कि क्या मोड जो है, जो मोड है वन टाइम से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, देखो दो आया, एक ये भी है और एक ये भी है, हो सकता है ना, तो क्या लिखेंगे, सेकंड आंसर इज यस, यस देयर आर टू मोड। ओके आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, ये डाटा दिया गया है, मोड और मीडियन बताना है, ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप अरेंज कर दो, ठीक है, अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर, ओके अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है आपका 12, अगेन भी डबल 12 है, डबल 12, 13 भी डबल है तो 13 डबल, उसके बाद 14 भी डबल है तो डबल 14, उसके बाद 14 डबल नहीं ट्रिपल है ना, 1 2 3 ट्रिपल है तो ट्रिपल 14 लिख देंगे, जो जितना टाइम्स रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद 16, उसके बाद 19 है। ओके तो इसमें से मोड बता दो, मोड क्या हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है, मोड हम उसको बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, हाईएस्ट होगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स हाईएस्ट किसका है, इसका है 14 का,
यानी 14 आपका मोड का आंसर हो गया। ओके, अब इसका क्या बताना है, मीडियन ही बताना है। तो मीडियन कैसे बताएंगे, मीडियन इज इक्वल टू मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, 9 में 2 से डिवाइड कर दो, 4 पॉइंट कुछ है, यानी 4 वाला, यानी 4 से अगला टर्म होगा, 1 2 3 4 4 से अगला टर्म ए आ रहा है, और इधर से भी देखो 1 2 3 4 4 से अगला टर्म ए वाला, मतलब उसके बीच में 4 इधर भी जाएंगे 4 इधर भी जाएंगे, वही बीच वाला हो जाएगा मीडियन, यानी बीच में मीडियन भी हो गया। ओके, बस आपसे यही क्वेश्चन कहा गया था, हम लोग ने कर लिया, कितना ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, बस ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। क्वेश्चन 5 इज टिल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें 4 क्वेश्चंस है और इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोड इज द ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, बिल्कुल ट्रू। जो मोड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा होता है, मतलब वन नंबर होता है। ओके, ऑलवेज हमेशा क्या होता है, वन नंबर्स इन ए डाटा। ओके, ट्रू है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। अब देखो मीन का बात कर रहा है कि द मीन इज द वन ऑफ द नंबर इन डाटा, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है, क्योंकि मीन तो फार्मूला होता है ना, मीन का फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ क्या होता है, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, ट्रू। मीडियन क्या होगा, हमेशा एक ही मीडियन होता है। ओके, द डाटा इतना इतना हैज मीन 9। देखो ये डाटा दिया गया है और बोल रहा है कि इसका मीन का वैल्यू 9 होगा, आपको कैसे पता, तो आपको निकालना होगा, क्योंकि मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मीन MEAN मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड कर दो, 6 4 3 8 9 12 13 बाई टोटल कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो मीन इक्वल टू डिवाइड कर दो 10 और 21 30 42 और 52 53 और 10 63 और 3 कितना 63 66 बाई 8 इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 9 होगा, या ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, 16 में 9 से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 जा 64 82.0 यानी 8.2 आ रहा है, मीन का जो वैल्यू है वो 8.2 हो रहा है, और मीन का वैल्यू 8.2 कुछ समथिंग हो रहा है, और यहाँ पर मीन का वैल्यू 9 दिया था, बिल्कुल गलत है, तो ये आपको करना नहीं है, यहाँ पर ये जो हम किए हैं ना, ये जो हम आप लोग करके दिखाए हैं, डोंट वर्क। ओके, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉल्स लिख देना है, क्या लिख देना है, फॉल्स है, ये आपको पीछे बैक में रफ में जाकर सब करना होगा, फिर मिला करके चेक करना क्या इसका 9 आ रहा है मीन, नहीं तो फॉल्स, बस इतना को करना होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आप लोगों को क्लास 7 की ऐसे ही मैथमेटिक्स अच्छे से 100% पढ़ाते रहेंगे, आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं, आपके घर में जितना भी मोबाइल होगा आप सभी मोबाइल में मेरे को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब कर करके, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, क्योंकि हम अभी न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।